इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टमाटर आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं। चार आलू लिए हैं, उनको बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। आलू को अच्छे से दो तीन बार धुल लिया है। एक टमाटर लिया है, उसके बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। दो चम्मच प्याज और लहसुन का पेस्ट लिया है। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, एक चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है, नमक लिया है स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें तीन चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें जीरा डालेंगे। जीरे को तड़कने देंगे। जीरा भुन गया है, अब इसमें लहसुन और प्याज का पेस्ट डालेंगे। प्याज को हल्का भून लेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए आधा मिनट हो गया है, अब इसमें टमाटर डालेंगे। सारे मसाले भी डाल देंगे, धनिया, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, नमक, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे जिससे कि मसालों का एक पेस्ट बन जाए। अब मसालों को भुनने देंगे जब तक कि मसालों में तेल छूटना शुरू ना हो जाए। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और मसालों को कंटिन्यू चलाते हुए भुनेंगे, नहीं तो तली में चिपक के जल सकते हैं। मसाले से सारा पानी सूख गया है, अब इसमें तेल छूटना शुरू हो गया है, खुशबू भी अच्छी आने लगी है, यानी कि मसाले भुन गए हैं। अब इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते हुए एक मिनट तक भुनेंगे, क्योंकि आलू जितना ही मसाले के साथ भुनेगा उतना अच्छा फ्लेवर हमारी सब्जी में आएगा। एक मिनट हो गया है आलू को मसाले के साथ भूनते हुए, अब इसमें पानी ऐड करेंगे। एक गिलास पानी लिया है। आपको ग्रेवी जैसी पसंद हो आप उस अनुसार पानी कम या ज्यादा डाल सकते हैं। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। दो सीटी आने तक सब्जी को पका लेंगे। दो सीटी आ गई हैं, अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कुकर में प्रेशर खत्म हो गया है, एक बार सब्जी को चेक कर लेते हैं। आलू को कट करके देखेंगे, आलू पक गया है। आलू कच्चा रह जाए तो एक सीटी और लगा दीजिए। अब इसमें हरी धनिया ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी को एक बाउल में निकाल लेंगे। टमाटर आलू की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।